हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है निमी भट्ट ब्लॉग में। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक है मीडिया वालों के लिए। मीडिया वालों, अगर आपको ज़्यादा वीडियो बनानी है तो आप पहाड़ों पर जाओ। जो पहाड़ हैं नीचे को दरक रही हैं, गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, लोग बह रहे हैं, वहाँ का जीवन कितना संकट है, आप वहाँ जाके वीडियो बनाओ ना पहाड़ों में जाके। ये कार में जाके घूम के, नाव में घूम के वीडियो बनाते रहते हो हर दिन, एक ही वीडियो, दस दस वीडियो, बेमतलब की वीडियो देख रहे हैं जहाँ देख रहे हैं। तो सीमा हैदर, सीमा हैदर क्या है भैया? अगर कब तक होश में आओगे तुम लोग? तुमको जरा सा भी ये शर्म नहीं है? जरा सा भी दिमाग नहीं तुम्हारे अंदर कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम किसकी बातें फैला रहे हैं, कहाँ की वो सीमा रहने वाली है? बताओ, पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ का जीवन देखो ना पहले, तुम कैसे संघर्ष होता है। एक बीमार आदमी डोली में ले जाके रास्ते में दम तोड़ देता है, ना वहाँ पर हॉस्पिटल है, ना वहाँ पर स्कूल है, ना वहाँ पर सड़क है। बताओ कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? गर्भवती महिला होती है, रास्ते में दम तोड़ देती है, बच्चा कुछ हो जाता है उसका। तुम लोगों ने ये चीज़ झेला है क्या? तुम जानते हो संघर्ष के बारे में? उस सीमा ने क्या संघर्ष करा? छिछोरी सीमा के पीछे तुम लोग लगे पड़े हो, हैं? टिकटॉक बनाया और पबजी खेला, चार बच्चे होते हुए भी दिन भर पबजी खेले, रात भर पबजी खेली, कब घर संभालती वो, हैं? घर संभालने वाली होती तो आज यहाँ पर आती? सचिन ना, सचिन का सिर वो चूसा आम जैसा भाई उसके, हैं? क्या है वो सचिन बताओ? प्रोफेसर है, इंस्पेक्टर है, डॉक्टर है, क्लर्क है, वकील है, क्या है वो? क्या है वो सचिन मुझे बताओ तो? एक चूसा आम के फेंकते हैं ना जैसे, वैसे वो सचिन की हालत हो रखी है, हैं? पता नहीं किस रूप में आ रखी है। कुछ भी हो दोस्तों, अगर तुमको दिखाना है तो सच्चाई को दिखाओ, मेरी बातों में दम है। अब मैं तो अपील सिर्फ योगी जी से कर रही हूँ। योगी जी, आपको मेरी वीडियो अगर आप तक पहुँच जाए तो प्लीज़ ये गंदगी को देश से बाहर निकालिए। आज सीमा आई है, कल रीमा आएगी, परसों फातिमा आएगी, परसों परवीन आएगी। क्या हमारा देश धर्मशाला है? हमारा देश धर्मशाला तो नहीं है। हमने एक ऐसे भारत की कल्पना तो बिल्कुल नहीं की थी। आप बात सच है पर कड़वी है, ठीक है? मैं सभी को बोल रही हूँ, अपने भाई बहनों को और सभी माताओं बहनों को, छोटे बड़े उनको सबको मेरा सलाम। क्योंकि हम संघर्ष करते हैं, अपने बलबूते पर खाते हैं, अपने पति की कमाई हो, जितनी हमारी पति की कमाई हो ना उतना हम खाते हैं, जितनी हमारी चादर होती है ना उतने हम पैर पसारते हैं, हम फालतू पैर नहीं पसारते हैं। संघर्ष से भरी हुई कहानी होती है हम सबकी, मेरी नहीं, मेरी माँ की नहीं, मेरी दादी की नहीं, सारे माता बहनों को मेरा प्रणाम है। मैं सलाम करती हूँ आपको, सौ सौ बार सलाम करती हूँ। लेकिन यार दोस्तों, पता है, एकता करो, एकता करो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये है ना, कल कुछ और हो सकता है, ठीक है? हमें ऐसी भारत में, ऐसे भारत की कल्पना हमको नहीं थी। सीमा बॉर्डर पर आज क्यों रहना पड़ता है? वहाँ पर हमारे जवान तैनात क्यों रहते हैं? क्यों इतनी सैलरी उनको सरकार दे रही है, पता आपको? है ना, कहाँ की है ये, है ना? बड़े खुश हो रहे हो, बड़े न्यूज चला रहे हो, हैं? बिल्कुल जरा सा यार दिमाग से दिमाग, कुछ तो सच्चाई दिखाओ, कुछ तो सच्चाई दिखाओ, हैं? कितने दिन हो गए उनको? तुम आज वहाँ गए होते ना पाकिस्तान में, तुम्हारे टुकड़ों के टुकड़े भी नहीं मिलते, समझ रहे हो, हैं? पाकिस्तान की बात करते हो, कौन है पाकिस्तान? तुम नहीं जानते हो पाकिस्तान का, पाकिस्तान कैसा है, हैं? अगर बाई चांस कोई चीज़, कोई घटना, क्या हम इतनी समस्याएं लेके देश में चलते हैं कि हमारा देश जरा आगे बढ़ेगा, है ना? कैसे कैसे हम लोग जूझ रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, हर एक महिला संघर्ष करती है, हर एक महिला, देश हमारा, ये देश जो है ना हमारा बलिदानों से बना है, अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हुए भी लोगों ने देश की रक्षा की है, इसलिए हमारा देश बना हुआ है, ठीक है? यार कदर करो, हम भारत में रहते हैं, आए गए नत्थू गए, ये हमारा देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो उसको हजम नहीं करूंगी। और मेरे साथ जितने भाई बहन जो भी मेरी वीडियो देख लेंगे, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं और मुझे सपोर्ट करें। और आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को मेरा सलाम।